दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलेंट की एपिसोड 214 की पार्ट 2 पर। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि टैंक्स ने स्पाइडर के साथ फाइट कर रहा होता है, हमारे व्यू दोबारा से चेंज हो जाता है जहाँ पर हम लोग आ जाते वन एम्पर की यू। यहाँ पर सोल हल की सोल एरेना जगह होता है और यहाँ पर सुई विलीना कम्बाइंड टेक्निक के साथ फाइट चल रही होती है और इनके सामने हमने यान को दिखाया जाता है। ये देखने में चूते की तरह लग रहा है। ये तो है, उसके साथ ही यान कहता है आखिरकार ये कहाँ पर हो सकते हैं जो मुझे कोई भी दिख नहीं रहे। अभी के लिए यान अपनी स्पिरिट बॉडी में मौजूद होता है। वो दोबारा से कहता है ये प्रोटेक्टिव विजन टेक्निक इतनी ज्यादा अवॉइड क्यों है, और इसके साथ ही यान के सामने सुई हुईलीना आ जाती है और यान पर अटैक कर देते है, जिसको डिपेंड करने के लिए यान अपनी प्रोटेक्टिव स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। मगर इस अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से हुईलीना सुई अपनी ट्रेनिंग को यहीं पर ही रोक देते है। और इसके साथ ही सुई यान से कहता है कि नाने ने डेविल श्याम टेक्निक को मास्टर कर लिया है। नाने ने इस बात के बारे में सोचा था जो कि हमारे पाइट की मूव है जिसमें हमने अपने डेमोन इंचारमेंट पावर को पुल मून स्पिरिट टेक्निक में इंचारमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे अपोनेंट को जैसा हम चाहे वैसा खेल सकते हैं, जिसको हमने डेथ मंथ का लाभ लिया है। जिसके साथ हमें विभिदों की आवाज आती है जो कि कहती है कि बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे प्रोटेक्टिव स्पिरिट ट्विनिंग टेक्निक टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती जा रही है। और उसके साथ ही नाना आकर विभिदों से कहती है एम्प्रायर की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी के लिए आप रेस्ट करना होगा। जिस पर विभिदों उसे कहती है तुम इस बात को छोड़ो, तुम सबको अच्छे एडिशन देना चाहती हूँ जो कि वन एम्प्रायर के आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड है। जिसके साथ हम आ जाते हैं टैंक्सन के ऊपर जो कि स्पाइडर के साथ फाइट कर रहा होता है। जिसके साथ हम देखते हैं स्पाइडर अपनी एक केज को टैंक्सन के ऊपर छोड़ देता है। टैंक्सन उसे आसानी से डॉज कर लेता है और उसके साथ कहता है इस स्पाइडर की बॉडी 50,000 ईयर से ज्यादा कल्टिवेट लग रहे है, काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। ये भी एक अच्छी बात है ना, इस मास्टर बेरी सोवर रिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये कहते हैं टैंक्सन अपने लेफ्ट लेग आर्म बोन को यूज कर जो कि टाइगर व्हेल किंग की होती है। इस अटैक पर उस स्पाइडर को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर टैंक्सन कहता है ये 100,000 ईयर की फॉल बोन की टेक्निक को इतनी इजीली कैसे डॉस कर लिया। जिसके साथ टैंक्सन अपने हाउट एंड हैमर से उसे मारने लगता है। जिसके साथ ये स्पाइडर शव के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखते ही शव उसे बचा लेता है और उसके साथ शव से कहता है तुम मेरे बैक पर रहो ताकि मैं तुम्हें इजीली डिपेंड कर सकूं। फिर कहते हैं टैंक्सन अपने हाउट एंड हैमर का एक टेक्निक यानी कि हाउट एंड जूंजो को यूज करता है। इसे यूज कर इस पर अटैक करता है। स्पाइडर टैंक्सन से बचकर भागने लगती है, जिसे देखते टैंक्सन उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ टैंक्सन अपने लेफ्ट आर्म बोन यानी कि अर्मिंग बोन को यूज करता है जो की होती है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। स्पाइडर इस टेक्निक में पूरी तरह से फंस जाता है, जिसके साथ ही टैंक्सन अपने डेथ गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, मगर स्पाइडर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखते ही टैंक्सन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। टैंक्सन अपनी माइंड पावर से उसे ढूंढने लगता है, ऐसा नहीं कर पाता। जिसके साथ टैंक्सन कहता है स्पाइडर की ऑरा हिडन टेक पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुकी है, ये मेरी डोमेन के अंदर अपने आप को छुपा रहा है, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा शॉक लग रही है। यानी कि ये सोल बेस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे दोबारा से इस बात का पोज करना होगा ताकि ये अपनी आपको दोबारा से शो अप करे। जिसके साथ टैंक्सन अपनी एर्थ सोल टेक्निक को यूज करता है, जिसे यूज करते है शव कहती है टैंक्सन की स्पिरिट रिंग टाइगर व्हेल किंग को मारने के बाद मिली थी, जिसके साथ ही इसकी प्रेशर एबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। वो स्पाइडर इस टेक्निक के बचकर भाग नहीं सकता। टैंक्सन उस स्पाइडर पर अपने फाइनल अटैक कर देता है, उसे पूरी तरह से किल कर देता है। जिसके साथ शव उसे कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम जल्दी सोल रिंग ऑब्जर्व करो। जिसके साथ टैंक्सन उसके सोल रिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। हमारे यूथ दोबारा से चेंज हो जाता है, हमें वाल एम्पायर के मेंबर्स को दिखाया जाता है। इस रेड कलर के ग्लोब को देखकर इस सब लोग टैंक्सन के पास आने लगते हैं, जिसे देखते शव कहती है कोई हमारे पास आ रहा है, मुझे अभी के लिए इस बात का पता नहीं चल रहा कोई हमारे करीब आ रहा है, ये ऑरा किसकी है। जिसके साथ शव अपनी सेंस को यूज करने लगती है, ये टोटल 8 लोग है, इस सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टैंक्सन को प्रोटेक्ट करना मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी के लिए टैंक्सन सोल ऑब्जर्व कर रहा है, टैंक्सन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी सोल रिंग उसकी सोल पावर पूरी तरह से इंजर हो जाएंगे, मुझे अभी के लिए इनको संभालना होगा। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे सोलैंड के एपिसोड की पार्ट 2 कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अनदर वीडियो में।